कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है, इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी कम्पीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कम्पीट करेगी, तभी हम दुनिया के साथ कम्पीट कर पाएंगे। অগ্নিপথ বিক্ষোভের মধ্যেই ফের সংস্কারের পক্ষে সওয়াল প্রধানমন্ত্রীর। যে কোনো সংস্কারই প্রথমে অপ্রিয় মনে হয়, কিন্তু পরবর্তীতে সেই সংস্কারের সুফল মানুষ ভোগ করে। সংস্কারের রাস্তাই আমাদের নতুন লক্ষ্য, নতুন সংকল্পের দিকে নিয়ে যায়। আমরা প্রতিরক্ষার মতো দপ্তর যুব সমাজের জন্য খুলে দিয়েছি, যা দশকের পর দশক ধরে সরকারের কুক্ষিগত ছিল। যুব সমাজের কাছে অনুরোধ, সরকারের সুযোগগুলি কাজে লাগান। বেঙ্গালুরুতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है, इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी कम्पीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कम्पीट करेगी, तभी हम दुनिया के साथ कम्पीट कर पाएंगे। भारत में खेती के बाद सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयर है तो एसएमएसई सेक्टर है हमारा, जो देश के टीयर टू टीयर थ्री शहरों की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। एमएसएमई इस सेक्टर से देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे यहां एमएसएमई की परिभाषा ही ऐसी रखी गई थी कि अगर वो खुद का विस्तार करना चाहते थे तो उनका नुकसान होता था, इसलिए वो अपने वेंचर को बड़ा करने के बजाय उसे छोटे उपक्रम की तरफ ले जाते थे। हमने इस परिभाषा को ही बदल दिया ताकि एमएसएमई ग्रोथ की तरफ बढ़े, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, छोटे छोटे सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी ग्लोबल ट्रेडर्स होने से हमारे एमएसएमई के अवसर बहुत सीमित होते थे। हमने 200 करोड़ रुपये तक के टेंडर में विदेशी इकाइयों की भागीदारी को समाप्त कर दिया। यही तो आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारा आत्मविश्वास है। केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए 25% खरीद एमएसएमई से ही करने का भी निर्देश दिया गया है। यही नहीं, आज गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के रूप में एमएसएमई के लिए देश के हर सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी, डिपार्टमेंट के साथ सीधे ट्रेड करने का आसान माध्यम दिया गया है। जेम पर आज 45 लाख से अधिक सेलर्स अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं। भाइयों और बहनों, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बहुत चर्चा आजकल हो रही है, जिसका बेंगलुरु बहुत बड़ा सेंटर है। बीते 8 सालों में देश ने कितना बड़ा काम किया है, ये तब समझ में आएगा जब हम अतीत के दशकों को देखेंगे। बीते दशकों में देश में कितने बिलियन डॉलर कंपनियां बनी है आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन पिछले 8 साल में 100 से अधिक बिलियन डॉलर कंपनियां खड़ी हुई है, जिसमें हर महीने नई कंपनियां जुड़ रही है।